भागो भागो, गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो, भागो भाई, उसकी स्पीड तेज हो चुकी है। ओबे भाई, अबे क्या भला ये। Hey guys, welcome back to another gameplay video. आज हम खेलने जा रहे हैं एक न्यू जापानीज हॉरर गेम जिसका नाम है सिंकानसेन जीरो। इस गेम के अंदर हम लोग एक जापानीज हॉरर ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं जहां से ना हमें बाहर निकलना है। बट यार जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि यार उस ट्रेन के अंदर ना बहुत सारे भूत हैं और वहां पे बहुत सारी अबनॉर्मलिस भी हो रही हैं। तो चलो देखते हैं कि हम वहां से कैसे बाहर निकलेंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा गेम के अंदर। ऑलरेडी गाइस समा चुके हैं गेम के अंदर, यही वो ट्रेन है जहां से ना हमें एक्सेप्ट करना है। इस ट्रेन का नाम है सिंकानसेन जीरो और जो इस गेम का नाम है वो भी सिंकानसेन जीरो, मतलब जो इस ट्रेन का नाम है वही इस गेम का नाम है। तो चलो चल के रास्ता ढूंढते हैं बाहर निकलने का। बट रुको, यहाँ नीचे लिखा है दिस वे फॉरवर्ड, हमें सामने जाना है। नो एनोमली इन दिस एरिया, एनोमली का मतलब अगर यहाँ पे कुछ नॉर्मल से हटके होता है, मतलब अगर कुछ यहाँ गड़बड़ होती है तो हमें सामने जाना। चलो चल के सामने वाला गेट खोलते हैं। वैसे यार ट्रेन कम जहाज ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यार इसका इंटीरियर ना देखने में काफी लग्जरी लग रहा है, एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के। जापान में ऐसी ट्रेन होती है क्या? भाई साहब एकदम जहाजी लग रही है। वेट, यहाँ लिखा है कार नंबर 7, टर्न बैक इफ देयर इज एनोमली। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो तुम्हें ना पीछे भागना है। वो एरिया ना एकदम सेफ एरिया है, तो वहाँ पे शायद से कुछ भी नहीं होगा अगर हम वहाँ पहुंच जाएंगे अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ। तो चलो चलते सामने की साइड। बट रुको, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये बेचारा आराम से सो रहा है और सामने मिरर के अंदर देखो हमारी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रही है। बट यार हमारा फेस दिखाई नहीं दे रहा और अगर मैं क्राउच कर रहा हूँ तो मैं क्राउच नहीं कर पा रहा। शायद से हमें आगे वाले कोच के अंदर जाना है। तो चलो चलते हैं, ये 7 नंबर कोच है, शायद से आगे 8 नंबर या फिर 6 नंबर कोच होगा। पर रुको, यहाँ पे देखो एक सूटकेस रखा हुआ है और सामने एक डिस्प्ले लगी हुई है जिसपे लिखा रहा है दिस इज सिंकानसेन जीरो हेडेड टू टोक्यो। तो गाइस ये ट्रेन ना सिंकानसेन से टोक्यो की ओर जा रही है, मतलब जापान के अंदर ना सिंकानसेन शायद से कोई सिटी है। वेट, यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है और इस लड़का, रुको, इसके साथ में कौन बैठा है? शायद से गाइस इसकी मम्मी बैठी हुई है। बट रुको, साइड में परछाई में कोई दिखाई दे रहा है, नहीं शायद से इन्हीं की परछाई बन रही है। तो चलो चलते हैं यहाँ से। पर रुको यार, इस बच्चे में ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि गाइस ये बच्चा ना मुझे घूरे जा रहा है। वैसे इस बेचारे का हेयर स्टाइल काफी प्यारा लग रहा है, एकदम मेरी तरह है। चलो चलते हैं सामने वाला गेट खोलते चल के, आगे वाले कोच में जाने का ट्राई करते हैं। ये तो हम शायद से वहीं पे आ गए। अच्छा नहीं, शायद से सारे कोच एक जैसे होंगे। खोलते चलो इस वाले डब्बे को। वेट यार, ये तो हम वहीं पे आ गए। यहाँ पे फिर से वही बंदा बैठा हुआ है, देखो सो रहा है। तो हम शायद से लूप के अंदर ही भटके जा रहे हैं बार बार। चलो चलते हैं भाग के फिर से सामने की ओर। वेट, यहाँ पे जो लड़का बैठा था वो बैठा क्या? ओ भाई देखना, ये लड़का अभी बैठा हुआ है। छोड़ो यार इसको, चलते फिर से सामने। भाई डरा दिया इसने, ये हमसे कुछ बात कर रहा है। हाँ भा, इसको कैसे पता कि मैं लूप के अंदर घूमे जा रहा हूँ? ये बच्चा बोल रहा है कि तू मेरे साथ कोई गेम खेलेगा। देखना यार, ये बोल रहा है कि मेरी बहन सो रही है तो मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं तेरे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं कि कौन सी गेम खेलेगा ये हमारे साथ। भाई ठीक है, तू रूल बता, गेम के रूल क्या है? गेम, रुको ये बता रहा है, नहीं मुझे नहीं पता, तू बता दे। ये बोल रहा है रूल काफी सिंपल है, ये बोल रहा है कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो तुझे वापस जाना है। ठीक है भाई, ठीक है, यस यस, मैं खेलना चाहता हूँ, फिनिश करना चाहता हूँ। ये बोल रहा है कि तुझे ना ऐसे करके 0 नंबर कोच के अंदर पहुंचना है और उसके आगे ना एक कंडक्टर का रूम आएगा, उसके अंदर हमें ट्रेन की ब्रेक दबानी जाके। तो शायद से यार इस ट्रेन के अंदर ना कोई भी नहीं है, ये ट्रेन ना खाली चल रही है। ठीक है भाई, ठीक है, ये बोल रहा है कि एनोमलीज होने वाली है जैसे तू आगे जाएगा। ठीक है भाई, मिलता हूँ तुझे मैं गेम के बाद। चलो चलते सामने की साइड। तो गाइस यार इसने हमें ये बोला है कि जो ये कोच है ना, मतलब हमें आगे की साइड जाना है, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 फिर 0 नंबर, फिर उसके बाद ना कंडक्टर का रूम आएगा और उसके अंदर ना एक बटन लगा हुआ है, तो हमें जाके उस बटन को दबाना है। तो देखो हम फिर से आगे 7 नंबर कोच के अंदर। तो हमें ना यहाँ पे अनोमलिस ध्यान रखनी है, मतलब अगर यहाँ पे कोई भूतिया एक्टिविटी होती है तो हमें ना तुरंत वापस जाना है। तो जो बंदा यहाँ पे बैठा था वो यहीं पे बैठा हुआ है, ये बैठा 16 नंबर में, तो हम याद रखेंगे कि आप तो ये कहीं और बैठ जाए अगली बार। चलते हैं। वेट, जो सूटकेस रखा हुआ था देखो वो यहीं पे रखा हुआ है और जो सामने डिस्प्ले लगी हुई है उसके ऊपर सेम लिखा आ रहा है। पर रुको, बच्चा कहाँ गया? इसकी बहन यहीं पे सोई हुई है। तो चलो चलते सामने की साइड, मुझे यार कोई भी अनोमली नहीं दिख रही यहाँ पे। वेट, मिरर के अंदर से बाहर का दिखाई नहीं दे रहा, शायद से ना हम लोग रात के टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। गेट खोलते हैं, चलो फिर से चलते हैं सामने की साइड। आई होप कि हम 6 नंबर कोच के अंदर पहुंच जाएं। वेट, ये देखो गाइस हम आ चुके हैं 6 नंबर कोच के अंदर, मतलब हम सही जा रहे हैं, मतलब हम पूरा ध्यान से सब कुछ देखे जा रहे हैं। पर ना हमें, रुको, वो बंदा फिर से सोया हुआ है 16 नंबर में और सामने की साइड जो सूटकेस है वो वहाँ पे रखा हुआ है। वैसे यार नॉर्मली तो क्या ही होगी, अगर कुछ होगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि यार इस ट्रेन के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, ये ट्रेन ना एकदम खाली है। इस साइड 2 सीटें हैं और इस साइड 3 सीटें हैं, और जो वहाँ लड़की बैठी हुई थी वो लड़की देखो बेचारी यहीं पे सो रही है। तो यार कोई भी अनोमली मुझे नहीं लग रही। चलो चलते हैं, चल के गेट खोलते हैं फिर से। बट रुको, कहीं यार जो ये नंबर लेके हुए हैं सीटों के, कहीं ये तो नहीं चेंज हो रहे? नहीं यार ये तो नहीं चेंज हो सकते, क्योंकि यार इसको कौन गिनेगा भाई। जो ये वाला एरिया ना, इस वाले एरिया के अंदर कोई भी अनोमली नहीं होगी, मतलब ये एरिया एकदम सेफ है। खोलते हैं फिर से गेट। नाइस गाइस, हम पहुंच चुके हैं 5 नंबर कोच के अंदर। तो चलो फिर से ध्यान रखते हुए, भाई देखना यहाँ पे, देखो हमें कोई घूर रहा बाहर से।
तो कोई भूत है, देखो भाई सभी सीटों के अंदर मतलब सभी मिरर के अंदर से देख रहा है हमें, तो ये अनोमली है एक तरह की। तो चलो चलते हैं फिर से, अगर अनोमली होती है और हम आगे जाते हैं तो हम फिर से ना 7 नंबर में वापस आ जाएंगे। ये देखो हम आ चुके हैं 4 नंबर में, चलो फिर से चलते हैं। रुको पहले मिरर के अंदर देखने दो, जो हमें घूर रहा था वो बाहर से फिर से तो नहीं घूर रहा, वेट कोई भी नहीं है। और जो बंदा 16 नंबर में सोया हुआ था बेचारा, ये यहीं पे सोया हुआ है, इसने साइड में सूटकेस भी रखा हुआ है तो इसको भी हम याद रखेंगे। सीटें मीटे भाई ये देखना, यहाँ पे देखो भाई आंखें आ चुकी हैं बहुत सारी, जो कि शायद से पहले नहीं थी, और ये आंखें ना हमें घूरे जा रही हैं। देखो इस साइड लट्टू से लगे हुए हैं, बट इस साइड ना भाई ये लट्टू आंखें बन चुकी हैं, तो मैं नहीं जा रहा आगे की साइड। चलो चलते हैं फिर से वापस, बहुत ही ज़्यादा ईजी गेम है यार। खोलते हैं चलो गेट को, चलते हैं। रुको ये पीछे वाला कौन सा कोच था, 4 नंबर था ना, तो अब आना चाहिए 3 नंबर कोच। खोलते हैं गेट, नाइस गाइस हम सही जा रहे हैं एकदम। चलते हैं फिर से सामने की साइड, बट इस बार ना हम खास ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि यार हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। वेट बंदा 16 नंबर पे सोया हुआ आराम से, ठीक है। और आसपास हमारे एक काम करते हैं, ऐसे चलते हैं पीछे की ओर घूमते हुए। सूटकेस तो वैसा का वैसा रखा हुआ है, और जो लड़की बेचारी सोई हुई थी वो सो रही आराम से, बट यहाँ पे लड़का नहीं है, तो लड़का कहीं पे गया है। उसने हमें बोला था कि मैं गेम के एंड में तुझसे मिलूंगा, तो चलो देखते हैं कि उससे हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। मुझे यार कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही, तो चलो खोलते हैं ये वाला गेट, देखी जाएगी भाई। ये 3 नंबर है ना, 2 नंबर आना चाहिए। अब चल के गेट खोलते हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार कहीं फिर से 7 नंबर। अबे यार शिट भाई, हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया। इस बार यार मैं अच्छे से ना पूरा एक एक चीज देख के जाऊंगा। जो बंदा बैठा हुआ है यहीं पे बैठा हुआ है, नाइस। यार कहीं इन सीटों के नंबर तो नहीं चेंज हो रहे, वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार अगर मैं सीटों के नंबर गिनने बैठूंगा तो यार बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट यार इस बार मुझे यहाँ पे कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही, जो सीटें बैठी हैं वो वैसे की वैसी लगी हुई हैं, और जो यहाँ लड़की बैठी हुई थी वो भी बैठी हुई है, और मिरर के अंदर आंख वाँख भी नहीं है कोई भी। तो चलो चलते हैं फिर से सामने की साइड और चल के गेट खोलते हैं, क्योंकि यार हम 7 नंबर पे आना तो क्या ही गड़बड़ होगी मेरे हिसाब से। गड़बड़ ना, ये देखना भाई सीटें कहाँ गई सारी की सारी, और ये आदमी खड़ा कैसे हो गया। हेलो भाई क्या हुआ तुझे, ये हमें घूरे जा रहा है भाई, मुझे गड़बड़ लग रही है भाई, क्या हुआ। एक काम करते हैं गाइस, निकल लेते हैं पीछे की साइड इससे पहले कि हमें मारे। ये देखो फिर से ना सब कुछ नॉर्मल हो गया, ये गेम हमारे दिमाग का टेस्ट ले रही है, तो चलो ध्यान रखते हैं फिर से इस बार। रुको इस बार, रुको रुको भाई ये कौन है, यहाँ पे कोई है क्या, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। 16 नंबर पे बंदा बैठा हुआ है भाई, ये सो रहा आराम से, और मिरर के अंदर आंख वाँख भी कहीं नहीं है। तो चलो फिर चलते हैं सामने की साइड, जो सूटकेस है वो भी देखो रखा हुआ सामने, और जो डिस्प्ले लगी हुई है उसके ऊपर भी लिखा ही आ रहा है। इस वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये 3 चीज़ें देखनी है हमें, शायद सूटकेस और फिर बाहर वाली विंडोज, और जो बंदा बैठा हुआ वहाँ पे, और जो यहाँ पे लड़की बेचारी सो रही है इसको। तो चलो इस बार भी मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही, जो ये लट्टू से बने हुए हैं इन पे आंख वाँख भी नहीं आई। तो चलो खोलते हैं चल के गेट, मैं सही जा रहा हूँ ना यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मतलब कुछ मिस तो नहीं कर रहा, देखी जाएगी यार। चलो चलते हैं फिर से सामने, हम 6 नंबर के थे। ओ भाई गेट बंद हो गया पीछे वाला, वेट हम कहाँ पहुँच गए। अच्छा अबे अरे भाई कहाँ से आया था मैं भूल ही गया, रुको मैं कहाँ से आया था। अच्छा मैं सामने से आया था कि मैं इधर से आया था, पता नहीं भाई मैं तो भूल ही गया, रुको देखने दो यार, मैं आया था सामने से, तो मुझे जाना सामने की साइड। चलो फिर खोलते हैं ये वाला गेट, देखी जाएगी इस बार यार अच्छे से ना, मैं देख के जाऊंगा। वेट भाई देखना सीटों के अंदर मुंह निकले हुए हैं, इस बार तो हमें क्लियर ही पता लग रहा है भाई ये मुंह से क्या निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत आ गया इस ट्रेन के अंदर। चलते हैं चलो भाग के जल्दी से वापस, और फिर से गाइस खोलते हैं ये वाला गेट, हम फिर से आगे 6 नंबर में। भाई मैं ऐसे ही बार बार घूमे जा रहा हूँ, वैसे मैंने मिस क्या किया यार उस वक्त, समझ नहीं आया कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल तो था। यहाँ बंदा बैठा हुआ है, रुको बंदा कितने नंबर में बैठा है, 16 नंबर में बैठा हुआ है, और जो विंडोज हैं वो भी नॉर्मल एकदम, और जो सीट वगैरह है वो भी एकदम नॉर्मली लग रही है मुझे, और जो लड़की बैठी हुई है चलो उसको चल के देखते हैं। ये लड़की भी देखो यहाँ पे बैठी हुई है, नाइस। और जो सूटकेस रखा हुआ है ये भी रखा हुआ है कहीं यार, ये हमें पेंटिंग वेंटिंग तो देखनी जो ये साइड में लगी हुई है, जो इस ट्रेन पे डिस्प्ले लगी हुई है इसके ऊपर भी सेम पहले जैसा लिखा आ रहा है, कहीं लाइटिंग वाइटिंग तो देखनी, यहाँ बीच में 2 लाइटें लगी हुई है। इस बार वैसे गड़बड़ तो नहीं लग रही, तो चलो फिर से चलते सामने की साइड, गेट खोलते हैं, और इस बार आई होप कि गाइस हम लोग सही जा रहे हो। खोलते हैं गेट, नाइस गाइस हम आ चुके हैं 5 नंबर कोच के अंदर, और इस बार रुको इस बार तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है ये यहीं पे बैठा हुआ है, नाइस। और जो डिस्प्ले लगी हुई है, अच्छा पीछे की साइड भी डिस्प्ले लगी है और आगे की साइड भी डिस्प्ले लगी है, कुर्सियों के लट्टू भी इस बार नॉर्मल हो रखे हैं। तो चलो फिर चलते हैं सामने की साइड भाग के जल्दी से, जो सूटकेस रखा हुआ है वो भी अपनी जगह पे रखा हुआ है, नाइस। और जो यहाँ पे लड़की बैठी हुई है, ये लड़की तो गाइस तब से ऐसी की ऐसी बेचारी बैठी हुई है, तो इसको तो नहीं नोटिस करना हमें शायद, बट लास्ट टाइम मैंने कुछ मिस कर दिया तभी यार मैं वापस आ गया, तो कहीं मैं फिर से तो नहीं वो चीज़ मिस कर रहा। बीच में 2 लाइटें लगी हुई हैं, सूटकेस भी है और बंदा बैठा हुआ है, और चेयर भी नॉर्मल है, और यहाँ पे जो विंडोज है ये भी एकदम नॉर्मल है। तो चलो यार देखी जाएगी भाई, खोलते हैं गेट चल के। अगर यार इस पेंटिंग को याद रखना हुआ तो भाई मुझसे तो ये पढ़ नहीं आ रहा क्या लिखा है इस पे, देखी जाएगी यार। चलो चलते हैं फिर से सामने की साइड, चलो
फिर से खोलते हैं गेट गाइस। अबे यार भाई मैं कुछ बार बार मिस कर रहा हूँ, रुको यार इस बार ध्यान से जाएंगे। विंडो के अंदर कोई नहीं है। जो बंदा बैठा हुआ था इसकी मुंडी दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे सोया हुआ है आराम से। नाइस। और जो लाइट लगी हुई है ये भी लगी हुई है। और क्या मिस कर रहा हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाँ देखो सूटकेस भी रखा हुआ है और यहाँ पे लड़की बैठी हुई है आराम से सो रही है बेचारी। जो चेयर्स है चेयर्स भी एकदम नॉर्मल है और जो ये लट्टू लगे हुए हैं इसके ऊपर ये भी एकदम नॉर्मल हो रखे हैं। तो चलो फिर से खोलते हैं गेट। कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या मिस कर रहा हूँ इस गेम के अंदर। हमें बस ध्यान से देखना मतलब सब कुछ कि मैं रुकना देखना भाई, फिर से मैं 7 नंबर पे आ गया। कुछ तो मैं यार गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कुछ मैं देख नहीं पा रहा। क्या अनोमली हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। रुको यार कहीं इस बंदे के कपड़े तो नहीं चेंज हो रहे। अगर आप लोगों को पता लगा हो ना कोई अनोमली तो नीचे कमेंट करके बताना, मुझे तो यार पता नहीं लग रहा भाई क्या हो रहा है। वेट यहाँ पे देखो डिस्प्ले हिल रही है। नहीं रुको ये क्या हो रहा है, ये देखना ये अगर मैं चल रहा हूँ तो देखो पीछे डिस्प्ले हिल रही है। तो शायद से गाइस ये कोई अनोमली हो रही है। ये देखो अगर मैं आगे जा रहा हूँ देखो डिस्प्ले हिल रही है। तो चलो पीछे की साइड चलते हैं भाई, भूत आ जाएगा इस ट्रेन के अंदर। ये देखो साइड में सारी विंडोज हिल रही हैं। तो शायद से मैं यही मिस कर रहा था। खोलते हैं ये वाला गेट अगर 6 नंबर। ये देखो गाइस मैं यही मिस कर रहा था। तो चलो फिर से चलते हैं बाहर। पर रुको कुछ तो गड़बड़ है बाहर। अच्छा ये वाली सीटें दिखाई दे रही है विंडो में, मुझे लगा ना बाहर का दिखाई देने लग गया। और ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। नाइस। वेट ये बंदा जाग रहा है? नहीं ये बंदा सोया हुआ बेचारा आराम से नींद में, कुछ तो बोल रहा है। और जो सूटकेस रखा हुआ है वो वहीं पे रखा हुआ है। और जो सीटें वगैरह ये भी एकदम नॉर्मल है। और जो लड़की बैठी हुई है ये भी यहाँ पे बैठी हुई है। और जो रुको 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 भाई ये देखो यहाँ, ओह भाई ये कौन बैठा हुआ है भाई साहब, इसको मैंने यहाँ मिरर के अंदर देखा और मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा ये असली बैठी हुई है। देखो यहाँ पे कोई दीदी जी बैठी हुई है। चलो चलते हैं गाइस वापस भाग के इससे पहले कि ये मुझे मार दें। खोलते हैं गाइस फिर से गेट। ये कौन सा नंबर था? 6 नंबर था, तो इस बार 5 नंबर आना चाहिए। खोलते हैं चलो ये वाला गेट। नाइस हम आ चुके हैं गाइस 5 नंबर में। देखना इस बार तो साफ ही पता लग रहा है विंडो से, बाहर से कोई हमें देख रहा है। तो चलो चलते हैं फिर से वापस। कौन से वाला कोच था? 5 नंबर था शायद ये, तो अब आना चाहिए 4 नंबर। खोलते चलो गेट। वैसे यार ये गेम काफी कंफ्यूजिंग सी है। सामने चलते हैं, सूटकेस भी यहाँ रखा हुआ है और सामने डिस्प्ले पे भी सेम लिखा आ रहा है जो पहले लिखा आ रहा था। और ये लड़की भी बेचारी सोई हुई है यहाँ पे। वेट इस बार तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी नहीं है। नाइस। और जो ये लाटू लगे हुए हैं चेयर के ऊपर ये भी इस बार नॉर्मल है। तो चलो यार चलते हैं खोल के गेट सामने। कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही मुझे। अगर आप लोगों को भाई दिखाई दे रही हो ना तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। वेट विंडो के अच्छे अंदर ना मैं अच्छे से देख लेता हूँ क्योंकि इस बार ना पक्का गड़बड़ होगी कुछ ना कुछ। चलो यार देखी जाएगी। खोलते हैं गेट। आई होप गाइस कि इस बार फिर से 7 नंबर ना आए। नाइस हम आ चुके हैं 3 नंबर में, तो हम एकदम सही जा रहे हैं। इस बार तो पक्का भाई कोई ना कोई अनोमली होगी। जो बंदा बैठा हुआ था ये बंदा यहीं बैठा हुआ। नाइस। और मिरर के अंदर कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। इस साइड भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। और जो ये लट्टू लगे हुए हैं ये भी सेम लगे हुए हैं चेयर। और रुको भाई ये देखो जो यहाँ पे सूटकेस रखा हुआ था ना, यहाँ पे एक बंदा आ चुका है भाई एकदम नंगा मंगा सा। तो चलो चलते हैं वापस। बंदे को भाई वही जगह मिली थी सोने के लिए, नीचे बेचारा बैठ जाता। बट गाइस वो नॉर्मल बंदा नहीं है, वो ना एक भूत है जो कि हमें मारने आया है। तो चलो फिर से खोलते हैं ये वाला गेट। नाइस इस बार हम आ चुके हैं 2 नंबर कोच के अंदर। और इस बार तो गाइस पक्का अनोमली होगी हमें भटकाने के लिए। वेट मिरर के अंदर देखो, नहीं कुछ भी नहीं है। मुझे लगा ना जो फेस इसमें निकले हुए थे वो मिरर के अंदर निकले हुए हैं, बट सही एकदम। तो यार इस बार भी मुझे कोई अनोमली लग नहीं रही। जो लाइट वाइट है ये भी एकदम ठीक ठाक लग रही हैं। तो यार देखी जाएगी। चलो फिर से खोलते हैं गेट। आई होप गाइस कि हम लोग सही जा रहे हों। अगर हम सही हुए तो 1 नंबर कोच आएगा। ओ नाइस हम आ चुके हैं 1 नंबर कोच में। सीटें भी नॉर्मल है और जो बंदा सोया हुआ है ये बेचारा यहीं पे सोया हुआ है। कहीं इसकी शक्ल तो नहीं बदल गई? नहीं वही बंदा ये जो सूटकेस है। ओ भाई वो देखो सामने कोई खड़ा हुआ है। रुको वो सही में खड़ा है या फिर डिस्प्ले? रुको भाई ये देखो यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है। तो गाइस ये ना भूत हो सकती है, निकल लेते हैं जल्दी से वापस। वेट जो लड़की यहाँ बैठी हुई थी कहीं ये तो नहीं भूत बन गई? नहीं वो तो नहीं बनी। अगर इस बार हम लोग सही जा रहे हैं, अगर हम लोगों ने इस बार सही किया ना तो 0 नंबर को आएगा और उसके बाद ना सीधा कंडक्टर का रूम आएगा। तो चलो खोलते हैं ये वाला गेट। नाइस ये देखो हम आ चुके हैं 0 नंबर में। इस बार तो गाइस पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर। वेट इस बार ध्यान से देखते हैं एकदम। जो बंदा बैठा हुआ है ये यहीं पे बैठा हुआ है, सूटकेस एकदम नॉर्मल है। और जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले के अंदर भी पहले जैसा लिखा रहा है नाइस कि ये ट्रेन टोक्यो जा रही है। और इस साइड क्या चमका? रुको ये लाइट जल रही है। और जो इस चेयर के लाटू लगे हुए हैं ये भी एकदम नॉर्मल है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कहीं ये लड़की मरी भरी तो नहीं है? क्योंकि यार जब से हम इस ट्रेन के अंदर आए हैं तब से ये लड़की ऐसी की ऐसी बैठी हुई है यहाँ पे, इसने एक बार भी कोई अनोमली नहीं की। चेक तो यार यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया, बट यार मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें पीछे जाना चाहिए। क्या करें यार, आगे जाएं या पीछे जाएं? ओ भाई ये देखो सामने वाला गेट अपने आप ही खुला हुआ है, इसको मैंने नहीं खोला। ये देखो और खुल गया भाई। ओ भाई देखो अपने आप खुल रहा है। तो गाइस हमें आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। तो चलो चलते हैं पीछे। शुक्र है भाई मैंने उसको स्पॉट कर लिया, मतलब पीछे मुड़ के देख लिया। अगर मैं पीछे मुड़ के ना देखता ना तो मैं आगे जाने वाला था। तो चलो चलते हैं सीधा कंडक्टर रूम में क्योंकि हम 0 नंबर रूम के अंदर थे। खोलते हैं। वेट ये क्या है? अच्छा कंडक्टर रूम सामने है। तो रुको, अगर हमसे यहाँ गलती हुई तो हम शायद फिर से 7 नंबर पे वापस हो जाएंगे। इस बार भी ध्यान से देखते हुए चलते हैं आगे की साइड। जो चेयर वेयर है ये तो नॉर्मल लग रही है भाई साहब। डरा दिया, क्या था ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई ये? रुको शायद से स्टेशन आ गया। क्या हुआ भाई? कोई तो है।
कोई अलग सी आवाज आ रही है, कौन है भाई, क्या करें यार, आगे जाएं या पीछे जाएं, समझ नहीं आ रहा। वेट, यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, खोलते हैं गेट, देखते हैं क्या आगे। ये क्या हो रहा है? एक अनाउंसमेंट हुई है जिसके अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंजरी की वजह से ये ट्रेन रुकी है, बट इस ट्रेन को तो हमने रोका ही नहीं, और ये कहाँ पे आ गए हम लोग? वेट, ओ भाई कौन है तू? हेलो, ये तो वही लड़का भाई, ये तो अच्छा ये टॉयलेट में बैठा हुआ था, क्या यार? ये लड़का बोल रहा है कि तुमने कर दिखाया, तो मैंने कर दिखाया, बट यार मुझे कंडक्टर का रूम नहीं मिला। हाँ हाँ, नहीं मिला मुझे। अबे यार, ये बोल रहा है कि अभी तुम आधे रास्ते में पहुंचे हो, तुम्हें आधा काम और करना है, क्या करना भाई मुझे? ये सोच रहा है। प्रीमियम? अच्छा, इस ट्रेन के अंदर एक प्रीमियम लॉबी भी है। ये गाइस बोल रहा है कि तुझे अब प्रीमियम लॉबीज भी ऐसे पास करना जैसे तुमने यहाँ पे किया, बट यहाँ पे इस यहाँ के रूल कुछ अलग है, ये बता रहा हमें। क्या रूल है भाई? ये बोल रहा है कि अगर तूने तीन मिस्टेक की तो तुझे भूत मार डालेगा। कौन कौन भूत मारेगा भाई? ये सोच रहा है कौन मारे। हाँ बता ना भाई, कौन मारेगा मुझे? क्या चाहिए भाई? ठीक है भाई, जाता हूँ मैं जीरो नंबर कार में। बट इस बार यार गेम खेलने के रूल ना एकदम उल्टे हैं, मतलब अगर कोई अनोमली हुई तो हमें आगे जाना है, और अगर ना हुई तो हमें पीछे आना है। तो खोलते हैं, ये देखो। वेट भाई, यहाँ पे तो काफी सारे बंदे घूम रहे हैं। ये है 7 नंबर, टर्न बैक इफ नो अनोमली। तो अगर यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होती तो हमें वापस जाना है, और अगर हलचल हुई तो हमें सामने की ओर जाना है। वेट, यहाँ पे एक लड़की बैठ के कंप्यूटर चला रही है, तो चलो। वेट, ये कौन आ रहा सामने से? भाई भूत होता क्या ये? इसको जाने देते हैं, फिर जाते हैं आगे। ये खाने वाने लेके जा रही है, और इसके पैर वैर तो ठीक है ना? कहीं इसके पैर वैर तो टेढ़े हो रखे, क्योंकि यार जो भूत होते हैं ना उनके पैर टेढ़े होते हैं। ये कौन है भाई? यहाँ पे कोई लड़की बैठी हुई है, छोड़ो इस लड़की को, चलो चलते सामने की साइड। वेट, यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, ये शायद से अपनी अटैची वगैरह रख रहा है ऊपर। टर्न बैक इफ नो अनोमली, मुझे यार कोई अनोमली लग नहीं रही यहाँ पे, चलो फिर चलते हैं वापस, क्योंकि अगर अनोमली नहीं होगी तो हमें वापस जाना है, और अगर होगी तो हमें फिर पीछे मुड़ना है। खोलते हैं गेट, ये देखो हम 6 नंबर में आ गए, और इस बार फिर से हम ध्यान से चेक करते हुए चलते हैं आगे की साइड। ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, नाइस, ये बैठी 16 नंबर में, और वहाँ आगे की साइड एक लड़की बैठी हुई है जिसकी आंख चमक रही है, ये देखो ये 12 नंबर में बैठी है, और जो वहाँ पे अंकल जी हैं वो अपना सामान ऊपर रख रहे हैं, और जो ये लड़की है ये सामने की ओर जा रही है, इसने कुछ फूड वूड रखा हुआ है। पर रुको, जो विंडोज हैं ये तो ठीक है ना, ये भी ठीक लग रही हैं। मुझे लग रहा है अगर हमारे से कुछ गड़बड़ हुई ना तो जो वो लड़की वहाँ आंख वाली बैठी हुई है ना, वही हमारे पीछे पड़ के हमें मारेगी। फिर से खोलते हैं ये वाला गेट, नाइस, ये देखो हम आ चुके हैं 5 नंबर में, चलते हैं भाग के फिर से आगे। और जो वहाँ आगे, रुको भाई ये क्या है? ये देखो गाइस, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो कि एकदम इनविजिबल है, और इसके हाथ इसने ऊपर बांधे हुए हैं कहीं पे। चलो चलते हैं वापस, रुको वापस नहीं जाना, हमें आगे जाना है अगर अनोमली होगी तो। चलो फिर चलते हैं आगे जल्दी से गेट खोल के, मुझे रहना यार इस गंदी सी ट्रेन में भाई, बहुत ही गड़बड़ इस ट्रेन के अंदर। बट जो ये ट्रेन है, ओह वेट गाइस, ये देख रहा है यहाँ पे अंकल जी खड़े हुए हैं, शायद से ये बाहर कूदने का इंतजार कर रहे हैं, शायद से ये मरना चाहते हैं, छोड़ो इनको। इस वाले एरिया के अंदर कोई भी अनोमली नहीं होगी, अगर होगी तो हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना। ये देखो हम आ चुके हैं 4 नंबर में, चलते चल के फिर से स्कैन करते हैं अच्छे से, जो इस साइड मिरर है इसके अंदर भी देख लेते हैं अच्छे से, इसके अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जो ये लड़की बैठी हुई है इसकी आंख चमक रही है वैसे की वैसे जैसे पहले चमक रही थी। और जो ये दीदी जी आ रही हैं, वेट भाई इनकी आंख देखना, इनकी आंख पे क्या हुआ पड़ा है? तो चलो चलते हैं आगे हम बार बार ना यार लूप भाई, ये देखना, सोचो अगर ट्रेन का डब्बा ऐसा हो भाई, कितना मजा आया ना ट्रेवल करने में। बट इसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, चलते हैं। ओ वेट, ये कौन है भाई? ये बच्चा यार, वो वाला बच्चा तो लग रहा है, उससे ये छोटा लग रहा है, हमें क्या लेना, चलते हैं सामने की साइड। वेट, ये देखना यहाँ पे अंकल जी पेड़ बन चुके हैं भाई, क्या कुछ हो गया यहाँ पे? खोलते हैं चलो गेट, अगर अनोमली होगी तो हमें आगे जाना ना, तो चलो। यहाँ पे जो अंकल जी खड़े थे वो भी गायब हो चुके हैं, छोड़ो अंकल जी को, फिर से खोलते हैं गाइस गेट। हम आ चुके हैं 2 नंबर में, और इस बार तो यार मैं अच्छे से देख के जाऊंगा, क्योंकि इस बार पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जो ये दीदी बैठी हुई है ये अपना लैपटॉप चला रही है पहले जैसे, और जो यहाँ पे दीदी बैठी हुई है इनकी आंख भी चमक रही है, और जो लड़की आ रही है इसका फेस एकदम सही है ना, फेस तो सही लग रहा है, बट इसके पैर देख लेता हूँ मैं, पैर भी इसके एकदम सही लग रहे हैं। तो चलो फिर अंकल जी को चल के चेक करते हैं, और जो विंडोज हैं विंडोज में सब कुछ सही है, और जो सीट्स हैं ये भी एकदम सही लग रही है मुझे, और जो इनविजिबल बंदा वहाँ खड़ा हुआ था वो भी नहीं दिख रहा। ओ भाई ये देखना, इनके पैर पेड़ जैसे बन गए, तो ये अंकल जी भूत हैं। तो अनोमली हुई है तो हम सामने की ओर चलते हैं फिर से। वेट यार, ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा यहाँ पे, बट ये हैंडल लगा हुआ है। खोलते हैं गेट, हम आ चुके हैं 1 नंबर में, हम गाइस निकलने वाले इस ट्रेन से बाहर, बस थोड़ा सा और। यहाँ पे दीदी जी बैठी हुई है फिर से, भाई एक ही बात ना बार बार रिपीट करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि यार इस गेम के अंदर रिपीट के सिवा कुछ भी नहीं है। खोलते हैं गेट, अगर अनोमली नहीं होगी तो हमें वापस मुड़ना है, तो हमें 1 नंबर में, तो यार 0 नंबर आना चाहिए। इस बार खोलते हुए गाइस बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो खोलते हैं देखी जाएगी। नाइस, हम आ चुके हैं 0 नंबर में, दीदी जी यहाँ पे बैठी की नहीं बैठी, और सामने से दीदी जी आ रही है, नाइस, और यहाँ पे इनकी आंख चमक रही है, जो ये विंडोज है इसके अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा पहले जैसे। खोलते चलो गेट को, और चलते कंडक्टर रूम के अंदर, यहाँ लिखा कंडक्टर रूम, तो मैं
इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखते हुए चलते हैं। इस बार यहाँ पे कोई अनोमली ना हो। आई विश। यहाँ पे वो लड़की फिर से बैठी हुई है अपनी आंख में बत्ती जला के, और ये यहाँ पे आंटी जी भी जा रही है पीछे की साइड। नाइस। और जो यहाँ पे लड़की लैपटॉप चला रही थी, रुको उसको तो मैंने देखा ही नहीं। चलो देखते चल के उसको भी चेक कर लेते हैं, वरना गाइस अगर वो रहेगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी और हम फिर से वापस हो जाएंगे। तो अंकल जी को चल के देखते हैं कि अंकल जी सही है या फिर उनकी टांगे फिर से पेड़ वाली होगी। टांगे वांगे सही लग रही है, फेस वेस भी ठीक लग रहा है। तो चलो यार वापस चलते हैं क्योंकि कोई भी अनोमली नहीं है। खोलते हैं इस वाले गेट को। ओ वेट गाइस, ये देखना यहाँ पे गेट नहीं खुल रहा भाई, ये तो खतरनाक वाली अनोमली हो रखी है यहाँ पे। और इसके फेस पे भाई ये कैसे शेडो बन रही है पिकाचू की जैसी। छोड़ो इसको, चलो चलते सामने क्योंकि यार पीछे वाला गेट नहीं खुल रहा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आगे जाने का। तो खोलते हैं गेट को। और अंकल जी का देखो हाथ अभी तक नहीं पहुंचा, कब से पहुंचा रहे वहाँ पे अपना हाथ। चलते हैं, ये देखो हम आ चुके हैं कंडक्टर रूम के अंदर। नाइस। और ये लगा हुआ बटन दबाते हैं भाई, हम लोगों ने यहाँ पे कर दिखाया। यहाँ लिखा रहा लोडिंग, क्या हुआ? रुको वेट, हमें पीछे आना है। क्या हुआ भाई? ट्रेन का गेट, डब्बे का गेट खोलते हैं। रुको ये क्या है, कहाँ पे जाना है, उतरना कहाँ से है? अच्छा ये देखो यहाँ से खतरनाक वाली रोशनी आ रही है, तो यहाँ से हमें गाइस बाहर निकलना है। तो हम लोगों ने फाइनली कर दिखाया। पर यार इस गेम की ना एक एंडिंग नहीं है, इस गेम की दो तीन एंडिंग है। ये देखो मैंने फिर से गेम लोड कर ली वहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने बटन दबाया था। खोलते हैं गेट को। हमारे पास देखो दो ऑप्शन है, या तो हम बाहर निकल सकते हैं या फिर हम पीछे की साइड जा सकते हैं। तो मैं इस बार पीछे की साइड जाऊंगा और देखूंगा भाई कि यहाँ पे दूसरी एंडिंग क्या है इस गेम की। चलते हैं पीछे। जो यहाँ पे पहले बैठे हुए थे यात्री वो कहाँ गए? गायब हो गए इस ट्रेन से, शायद वो उतर गए। यहाँ पे लाइटें वाइटें ब्लिंक कर रही है। कितना पीछे जाना है यार? ये देखो यहाँ पे जो अंकल जी थे वो भी जा चुके हैं, और जो लड़की बैठी हुई थी आंख वाली वो भी यहाँ से चली गई। कितना पीछे जाना है यार? पिछले 10 मिनट से मैं डब्बे क्रॉस किए जा रहा हूँ। शायद मुझे लग रहा है हमें नॉर्मल वाली सीट के पास जाना है। वेट, यहाँ पे देखो लड़की खड़ी हुई है। अच्छा मैं नॉर्मल में आना था, हम प्रीमियम के अंदर थे। तो चलो इससे बात करते हैं। बट ये हुआ क्या? वेट, ये हमसे बात कर रही है? ये शायद सो के उठ चुकी है। ये बोल रही है कि ट्रेन क्या लूप कर रही थी? हाँ तो ट्रेन तो लूप ही कर रही थी। ये लड़की बोल रही है कि क्या तूने ब्रेक लगाई? हाँ मैंने ब्रेक लगाई। ये बोल रही है कि यकीन करना मुश्किल है, बट यार हम लोगों ने कर दिखाया और ये हमारे पे यकीन भी कर रही है। ये बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि ट्रेन कहाँ से चली है, तो भूल कैसे गई? ये क्या पूछ रही है? सॉ योर ब्रदर बॉय इन ब्लैक हुडी। अच्छा मैं इसको बोलता हूँ कि मैंने इसके भाई को देखा जो कि हमारे साथ गेम खेल रहा था, उसका नाम था नाओकी। ये लड़की बोल रही है कि मैं अपने भाई के साथ थी जब मैंने अपनी याददाश्त खोई। क्या बात कर रही है, ये क्या कहना चाहती है? ये लड़की बोल रही है कि क्या मेरे भाई ने तुझे बोला कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? तो मुझे क्या पता, इसे बोलते कि तू उससे अपने आप ही पूछ ले। ये बोल रही है कि वो कहाँ पे है? मैंने उसको टॉयलेट के पास देखा था। नॉट फ्रॉम द साइड आई कम फ्रॉम, हाँ उस साइड तो नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसे बोल सकते हैं कि मैंने ट्रेन रोकने के बाद तेरे भाई को देखा ही नहीं, या फिर इसे मैं बोल सकता हूँ जिस साइड से मैं आया हूँ उस साइड नहीं देखा मैंने तेरे भाई को। इसे हम पहला ऑप्शन ही बोलते हैं क्योंकि हमने पूरी ट्रेन नहीं चेक की ना, बस हम लोगों ने प्रीमियम वाला डब्बा चेक किया है, हम उस साइड से आए हैं। यार इस लड़की ने हमें बोला कि तू मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद कर, तो नॉर्मल साइड में जाएगा या फिर प्रीमियम साइड में जाएगा? तो इसे मैं बोलता हूँ कि मैं नॉर्मल साइड जाऊंगा क्योंकि यार उस साइड तो मैं देख के इसके भाई को आ गया, उस साइड कोई भी नहीं है। तो चलो इसको बोलते हैं, रुको आर यू श्योर? यस यस आई एम श्योर, ये हमारे पर ट्रस्ट वर्स कर रही है। चलो फिर ये थैंक यू की बोल रही है। ठीक है मैं ढूंढता हूँ जाके उसको, तो हमें पीछे जाना है, जाके उसको ढूंढना है। चलते हैं चलो पीछे की साइड। आई होप कि गाइस कुछ गड़बड़ ना हो इस बार हमारे साथ, पर मुझे लग रहा है कि हमारे साथ कुछ खतरनाक गड़बड़ होने वाली है। ये तो हम वहीं पे आ गए जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे। ये क्या, अच्छा कौन से वाले डब्बे में? यहाँ देखो लिखा हुआ 6 नंबर। तो मुझे लग रहा है ना ऐसे करके हमें 1 नंबर में जाना है और फिर शायद इसका भाई हमें मिल जाएगा। तो देखते चलो दूसरी एंडिंग क्या है इस गेम की। खोलते हैं इस वाले गेट को। वैसे जो वो लड़की थी ना वो भी मुझे कुछ गड़बड़ सी लगी। यहाँ पे हम आगे 5 नंबर में। खोलते हैं इस गेट को। वेट ये क्या भाई? ओ भाई इसका भाई इसके अंदर था, शायद से इसको किसी ने मार दिया। वैसे यार जो इस खून का मार कर रहा है देखो पीछे की ओर से आ रहा है। तो चलो इस वाले गेट को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। कौन है भाई यहाँ पे? हेलो कोई है क्या? कोई है? अगर कोई भूत सामने आओ मेरे। अबे ये तो सही में सामने आ गया भाई। भागो 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 भागो, देखो साइड में लिखा रहा रन। तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो गाइस वो हमें तुरंत ही मार डालेगा। भाई क्या चीज है ये? भागो 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 भागो, गेट खोलो गेट खोलो, भागो भागो। तो एकदम ईजी है भाई, हमें पीछे भाग के जाना है। अभी ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे गाइस सीटें ना चेंज हो रही हैं, मतलब ये देखो क्या हो रहा है। भागो 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 भागो। अबे भाई ये क्या हुआ? इस साइड से निकलो 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 निकलो। भाई बोला नहीं जा रहा वो, देखो ओपे यार वो भाई सीधा ही आ रहा है बीच से आर पार होके। भागो भागो गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो, भागो भाई उसकी स्पीड तेज हो चुकी है। ओबे भाई अबे क्या भला ये? भागो 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 भागो। भाई मैं पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखूंगा, अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो हमारा काम तुरंत तमाम कर देगा। आवाजें कर रहा बहुत खतरनाक, ताकि मैं पीछे मुड़ के देखूं, बट मैं पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखूंगा। भागो 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 भागो, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा। नाइस 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 नाइस, शायद से हमें ऐसे 1 नंबर के अंदर जाना है, तब हम इस ट्रेन से बाहर निकल जाएंगे। भागो 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 भागो। भाई क्या चीज़ है ये? यहाँ पे लिखा 1 नंबर। अभी स्पीड स्लो कैसे होगी? गेट खोलते हैं और बाहर का जाना है। रुको 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 रुको। अबे भाई रुको, यहाँ पे गेट दबाना है।
गेट दबाना बोल रहा हूँ, बटन दबाना है। ये कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? अच्छा, हम लोग शायद टोक्यो पहुंच चुके हैं। जो भूत है वो तो शायद पीछे रह गया, तो शायद से हम लोगों ने ये वाला गेट बंद कर दिया या फिर हम लोगों ने ट्रेन ही चला दी, पता नहीं। देखते चलो क्या होने वाला है। वैसे अगर मैं ये वाला गेट खोलता हूँ तो ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ओ वेट, ये गेट आराम से खुल रहा है देखो। और यहाँ पे ये वाला गेट भी खुल रहा है। नहीं, ये गेट नहीं खुल रहा। बट हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे, ये वाला गेट खुलेगा क्या? नहीं, ये वाला गेट भी नहीं खुल रहा। और यहाँ पे तो कोई गेट ही नहीं है। तो चलो यहाँ पे वेट करते हैं खड़े होके, क्या ही कर सकते हैं। वेट भाई, ये देखो वो बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। पर यार ये बच्चा वो वाला बच्चा लग रहा है, ये तो कोई और बच्चा लग रहा है। यहाँ पे गाइस इसकी सिस्टर भी आ चुकी है। ये बोल रहा है कि तुम जाग चुकी हो। नाओकी नाम है इस लड़की का। अच्छा, लड़के का नाम नाओकी है। आई एम फाइन नाउ मिस्टर। ये लड़की और ये लड़का मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। ये बोल रहा है इट्स नॉट योर टाइम येट। मतलब क्या? इंग्लिश में बोलना, जापानीज़ में समझ नहीं आ रहा मेरे। भाई ये दोनों दोनों मरे हुए थे और हम लोग जिंदा हैं। ये भूत थे मतलब इस गेम में, मतलब अच्छे भूत थे। ये दोनों बेचारे अपने घर जा रहे हैं। गुड बाय। ठीक है, गुड बाय गुड बाय। हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं बट? और जो पीछे भूत था वो कहाँ गया? रुको, ये कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? ये कौन है यार? अच्छा देखना, हम लोग नींद में थे भाई, हम सपना देख रहे थे। यहाँ पे हमारी नींद खुल चुकी है। ये बंदा तो वही बंदा है जो सूटकेस रख रहा था और रख नहीं पा रहा था। कौन सा सिंड्रोम? ये बंदा हमें बोल रहा है कि तुम्हें कोई बीमारी उमारी हुई थी, इंजरी। कौन सी इंजरी? और वो पीछे कौन है? रुको, वो शायद कंडक्टर है। रिपोर्टिंग। अच्छा, यहाँ पे गाइस इस ट्रेन के अंदर ना एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वो बच्चा और वो लड़की ना मारे गए बट हम लोग बच गए। तो यही इस गेम की सेकंड एंडिंग थी। यहाँ लिखा रहा लोडिंग। और रुको भाई, ये देखो वो बेचारा लड़का और वो लड़की ना दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं और वो दोनों बेचारे जा रहे हैं हेवन के लिए। तो यहाँ पे गाइस ये गेम खत्म हो चुकी है। आई होप गाइस कि आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी हॉरर गेम प्ले वीडियोस आने वाली हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।